मेरे को लास्ट टाइम, मतलब मैं रीजन जानना चाहता हूँ, जैसे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊंगा, ये यही जगह क्यों? रीजन ये है कि जब तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी टाइम हो चुका है 5:15 था कि मैंने कल आपको बताया था कि सुबह ब्लॉग करने जाएंगे, कि मैं और मेरा भाई अभी आ रहे थे, वो अपनी बाइक पे था, मैं अपनी बाइक पे था, और पता नहीं कल किसी मेरे फ्रेंड ने शायद बाइक यूज़ करा होगा और मुझे पता नहीं कि पेट्रोल एंड हो गया, तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मुझे ढूंढता हुआ वो वापस आएगा, फिर उसके बाद हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ये जो आज का ब्लॉग होने वाला है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, नेशनल पार्क का एक पार्ट है, ठीक है गाइस, ये मेरे पीछे ही है, मतलब थोड़ा सा 100 मीटर्स पर, अभी उसका वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो एक गाइस, वो जो पेट्रोल वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, एक जियोलॉजिकल गार्डन है जिसका नाम है एक काम्र, उड़ीसा में ना देर आर लॉट्स ऑफ नेशनल पार्क्स, ओके, बट ये जो है ये चंदका नेशनल पार्क गार्डनी उससे कनेक्ट है, ठीक है। तो ये पीछे आपको एक लेक दिख रहा होगा, डेली बेस पे यहाँ पे मॉर्निंग में आते हैं पर ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, और ये मेरे पीछे है कोरा फूड कॉफ़ी, ये शाम को मतलब 4:30 बजे ओपन हो जाता है, ये देख रहे हो कोरा फूड कॉफ़ी, ये यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह है इधर, और सही है, मतलब अभी तक जितना मैंने, मतलब जितने भी पार्क्स देखे चंडीगढ़ में भी सुखना लेक और रॉक गार्डन वगैरह गया था मैं, ये देख रहे हो पूरा ये सिप का ही है, ठीक है, कंटेनर है, इसमें शॉप बना रखा है, मतलब यूनिक डिज़ाइन यार। डेली आने का एक अपना ये पर्सनल रीज़न है कि यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है, रात भर की नाइट शिफ्ट करने के बाद आप अगर यहाँ पे थोड़ी देर अपने लिए भी मतलब मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो सही रखता है। मुझे जो लग रहा था वही हुआ एक्चुअली, कि यहाँ पे शायद ड्यू टू सम रीजंस बोटिंग्स बंद है, क्योंकि पहले भी हम मेरे को लगभग 2-3 महीना हो गया मैं यहाँ पे कंटिन्यूस आता हूँ, पर मैं कभी इस साइड नहीं आया, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ा, हम उधर अपना घूम के चले जाते थे। तो लेक तो भाई बहुत सुंदर है भाई, यहाँ पे क्लीन है, सबसे मेन बात जो है ये क्लीन है। एक और चीज़ बताता हूँ गाइस, अभी मैं जिसके साथ मतलब भुवनेश्वर में रहता हूँ, मतलब मेरा छोटा भाई है, वो मेरा भाई है, और एक यूनिक चीज़ है कि हम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और नाम भी सेम है, उसका नाम रंजन है तो मेरा नाम भी रंजन। चक्कर में मैं थोड़ा सा आगे जा रहा था, फिर मुझे रिटर्न जाना पड़ा, वो वहाँ पे जा रहा है तो बुला रहा है मुझे कि आ जाओ वहाँ पे मेडिटेशन करेंगे, तो मैं यहाँ से ऐसे होता हुआ राउंड होके फिर उधर जाऊँगा। काफ़ी वैरायटी के आउटसीट्स है अंदर, ये ओपन नहीं होता, मतलब कि करते हैं ओपन घूमने के लिए पर ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि लोग आते हैं फिर वो नुकसान करते हैं कुछ चीज़ों का, तो इसलिए ये बंद रखा गया है। ये अभी हम आगे जा रहे हैं और इधर है आपका रोज़ गार्डन, फाउंटेन प्लेस, और ये क्या देख रहे हो गाइस, यहाँ पे 2 बड़े बड़े मोर है, मीन्स नेशनल बर्ड। लास्ट टाइम जब आया था मैं, तब मैंने देखा था यहाँ पे बहुत कम फूल थे, पर अभी ये थोड़ा सा सीज़न, अभी समझ रहे हो ना आप, अभी विंटर आने वाले हैं, तो अभी तो ये आज का टुडे ब्लॉग का आइडिया इसका था, इसने बोला कि चलो चलते हैं, देख रहे हो बेचारे के बाल बाल खराब हो गए, एक्सरसाइज मोड में रहते हैं ना भाई, और ये USIT रिक्रूटमेंट करता है तो ये US के लिए काम करता है, उस वजह से नाइट शिफ्ट रहता है ज़्यादातर, तो मॉर्निंग के टाइम पे ये इसलिए करता है मेडिटेशन ताकि इसका पूरा दिन ना फ्रेश जाए, फिर रात को जब ये ऑफिस जाएगा तो फिर इसको काम करने में मतलब अच्छा एक्यूरेसी और कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, फिर मतलब बॉडी भी थकती है, हम काम करते हैं अगेंस्ट द नेचर, जो रात हमें सोने के लिए मिलता है उसमें हम काम करते हैं। और क्या बोलना चाहते हो, ये जगह मतलब कि तुमने क्यों चूज़ करा इसको, क्योंकि और भी बहुत सारे गार्डन्स हैं, यहाँ तुम लेके आए थे मेरे को लास्ट टाइम, मतलब मैं रीज़न जानना चाहता हूँ, जैसे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊँगा, ये यही जगह क्यों? रीज़न ये है कि देख, जब आप सुबह उठते हो तो कुछ नेचर को देखने के लिए मन करता है, फिर यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वर्कआउट करने के लिए बेस्ट चीज़ है, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं। मतलब एक और चीज़ जो मेरा कन्फ्यूजन, शायद इसको पता होगा, ये गार्डन में सुबह का प्राइस 5 रुपये और शाम को वही आओगे तो आपको 25-30 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है, मतलब क्या है, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया क्या है।
ये सुबह के लिए है क्योंकि सीनियर सिटीजन आते हैं यहाँ पे बहुत सारे मेडिटेशन करने और एक्सरसाइज करने, तो इसलिए वो प्राइस कम रखा गया। और जब वो आफ्टरनून हो जाता है तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए, तो इसलिए वो प्राइस ज़्यादा रखा गया है। ज़्यादातर तक टाइम ना साउथ दिल्ली में गुजरा, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है नहीं, मतलब दिल्ली के और जोन के हिसाब से ग्रीनरी अच्छी है, मतलब ग्रीन नेचर वाले प्लेस पे आता है, पर काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ वैरायटी जो है ना ट्रीज की, वो यहाँ देखने को मिला मेरे को, मतलब अलग ही अलग तरीके के पेड़ है, मैं इसकी समझ में नहीं आ रहा मतलब किस टाइप के। गाइस ये जो है ये कोरा फूड कॉफी आपको इस ब्लॉग के फर्स्ट पार्ट में दिखा रहा हूँ, पर ये ऊपर नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड पार्ट जो मैं इवनिंग को बनाऊंगा उसमें आके आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे मतलब किस टाइप की सर्विसेज और क्या कॉफी, मतलब कॉफी है भी या कुछ और चीज़ है, नाम कॉफी का है, तो ये हम चेक करेंगे। तो भाइयों ब्लॉग एंड करने पहले ये बताता हूँ कि हम जब भी यहाँ पे गार्डन में घूमने आते हैं मॉर्निंग में, यहाँ पे ग्रीन जूस मिलता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये इसमें काफी सारी चीजें डलते थे, वो अदरक, ये सारे वेजिटेबल्स, बेसिल सीड, उसके नाम से इंस्टाग्राम पे भी है, जाके भाई को फॉलो कर दो। ग्रीन ग्रीन सारी चीजें डाल दी गई है, ये आमला का पैक आ रहा है पहला, और तो ये बॉडी के लिए चोक है क्या भाई, बबाल चीज है भाई, पूरा सिस्टम मिला डालती है, देख रहे हो पूरा ग्रीन, जैसे गाड़ी में जब मतलब पेट्रोल खत्म हो जाता है ना, रंजन बोल रहा था पेट्रोल खत्म होने के बाद आप क्या करते हैं कि चोक डालते हैं, तो ये भी चोक है, चोक।